हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम न्यू ट्रिक, न्यू स्टाइल में फेमस गुजराती डिश खांडवी, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में तुरंत तैयार करेंगे। बिल्कुल नए तरीके से बता रही हूँ फ्रेंड्स, खांडवी बनाना आपके लिए इतना आसान हो जाएगा, फिर बिना किसी मेहनत, बिना किसी झंझट और बिना किसी कुकर ओवन के आप ये इंस्टेंट गुजराती खांडवी तैयार कर पाएंगे। एकदम स्वादिष्ट और सॉफ्ट भी, जो मुंह में जाते ही घुल जाए। और ये ट्रिक खांडवी बनाने की आप देख लेंगे तो बाजार से कभी भी नहीं खरीदेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खांडवी बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया एक कटोरी बेसन, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक कटोरी बेसन और 2 कप छाछ ली है। हमें 1 कटोरी बेसन चाहिए और 2 कटोरी छाछ। अगर हम 2 कटोरी बेसन लेंगे तो 4 कटोरी छाछ चाहिए। बेसन को मैंने यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया है। अब मैं इसमें डालती हूँ 1/4 हींग। अब इसमें ऐड करती हूँ 1/4 नमक। अब यहाँ पे ऐड करती हूँ 1/4 हल्दी पाउडर। ऐड कर लेती हूँ हमारी 2 कटोरी छाछ को। मैं लेती हूँ 1 कलछी और इसे बढ़िया से चला लेती हूँ। इसमें जो भी गांठे वांठे पड़ी रहती है ना, उसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और इसका एक बढ़िया सा घोल तैयार कर लेना है। हमें चम्मच की सहायता से चम्मच को उल्टा करके अच्छे से उलट पुलट करके चलाना है, जिससे कि इसमें कोई भी गांठे नहीं रहे और हमारा घोल एकदम बढ़िया सा बन जाए। तो अब ये देखिए हमारा घोल एकदम बढ़िया सा बन गया है। तो अब मैं इस स्टेज पर इसे गैस पर रख देती हूँ और धीरे धीरे इसे लो मीडियम फ्लेम पर ही हमें चलाना है। घोल को हमें ना तो ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही हमें इसे ज़्यादा पतला रखना है। अब हमें इसे कलछी की सहायता से धीरे धीरे चलाना है, जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा घोल एकदम बढ़िया से गाढ़ा हो गया और इसमें कुछ लम्स भी आ गए हैं। तो अब मैंने चम्मच से अच्छे से मिटा लेती हूँ सारे लम्स को। तो ये देखिए मेरे सारे लम्स बढ़िया से मिट गए हैं और अब आप देख सकते हो मेरा खांडवी का डो एकदम बढ़िया से तैयार हो गया है। अब मैं लेती हूँ थाली, इसके ऊपर मैंने लगा लिया थोड़ा सा तेल और इसके ऊपर डाल लेती हूँ हमारे खांडवी के डो को। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक लिया है गत्ता, क्योंकि ये बहुत ही गर्म है तो हाथ की चिपक जाती है और गत्ते से ये हाथ में बिल्कुल नहीं चिपकती और अच्छे से थाली के ऊपर अच्छे से आ भी जाती है। तो ये देखिए मैंने इसे थाली के ऊपर अच्छे से लगा लिया है, बिल्कुल पतली पतली स्लाइस में, आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया से मैंने इसको अच्छे से कर लिया है। अब आप इस स्टेज पर देख सकते हो मैंने यहाँ पे 2 थाली ली थी और दोनों के ऊपर ही इसे अच्छे से फैला लिया है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, जिससे कि ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है। अब मैं लेती हूँ 1 चाकू और अच्छे से इसे कट कर लेती हूँ लंबी लंबी स्लाइस में। इसको हमें बर्फी वगैरह की तरह इसमें कट नहीं लगाने, बस सीधे ही चाकू चलाना है। अब आप देख सकते हो मैंने इसकी कटिंग अच्छे से लंबी लंबी कर ली है। तो अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके पलटते हुए इसको धीरे धीरे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें इसको पलटना है और राउंड रोल में इसे अच्छे से लेना है और निकाल के एक अलग बर्तन में निकाल लेना है। एकदम बढ़िया से मैंने खांडवी को निकाल लिया और एक प्लेट में रख लिया है। ऐसे ही मैं दूसरी खांडवी को थाली के से निकाल लेती हूँ बिल्कुल पतली पतली स्लाइस में, आराम से हल्के हल्के हाथों से। अब मैं सारियों को अच्छे से निकाल के आपको बताती हूँ फटाफट से। यहाँ पर मैंने सबको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं लेती हूँ 1 तड़का पैन, इसमें डालती हूँ थोड़ा सा 1 टीस्पून तेल को गर्म होने के लिए रख देती हूँ। तेल हमारा एकदम बढ़िया से गर्म हो गया है। तो अब मैं इसमें डालती हूँ 1 टीस्पून राई। राई हमारी अच्छे से चटकने लग गई है, थोड़ी गर्म भी हो गई है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ हरी मिर्च लंबी लंबी स्लाइस में कटी हुई।
अब इसके बाद यहाँ पर मैं इसमें डालती हूँ थोड़े से तिल 1 टीस्पून, और अच्छे से पक गए। अब इसमें ऐड कर देती हूँ 1/4 चौथाई हींग। जो भी सारी सामग्री तड़के के ले ली थी, अब मैं उसी सारी खांडवी के ऊपर अच्छे से गार्लिक कर देती हूँ। और अब आप देख सकते हो मेरी खांडवी एकदम बढ़िया सी, बहुत ही मस्त और मज़ेदार लग रही है। सारी तिल मिर्ची वगैरह हैं उनको अच्छे से इसके ऊपर डाल देती हूँ। तो ये लीजिए, हमारी खांडवी एकदम बढ़िया सी बनके तैयार हो गई है। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लग रही है। आप इसे सुबह नाश्ते में भी बना सकते हो, और जब कभी भी मन करे खाने का तो कभी भी बना सकते हो। और बच्चों को तो ये रेसिपी बहुत ही पसंद आती है। अभी मेरे को इसमें थोड़ा सा और काम करना है, वो बाकी है। तो आप देख सकते हो अभी मुझे इसमें और क्या डालना है ऊपर से। अब मैं लेती हूँ यहाँ पे कुछ थोड़े से हरे पत्ते, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और ऊपर से इसे गार्लिक कर देती हूँ। अब आप देख सकते हो अब बिल्कुल ये रेडी है। अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया मज़ेदार रेसिपी है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छी लगती है खाने में। अच्छी लगी मेरी आज की ये रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।